हे गाइस वेलकम बैक अगेन आई नो एसॉल्ट आर्मी यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, होप करता हूं गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं गूगल प्ले रिडीम कोड, वो भी ₹190 का, जिसके अंदर आप लोग अपने लेवल अप पास को कंप्लीट कर सकते हो आसानी से या फिर वीकली मेंबरशिप ले सकते हो एकदम आसानी से। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो गाइस सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। ठीक है, तो मैं गूगल प्ले रिडीम कोड इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। साथ में गाइस मैं एक और वीडियो लाने वाला हूं जिसके अंदर मैं और भी ज्यादा गिव अवेज करने वाला हूं। ठीक है, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग गिव अवे करने वाला हूं, इसलिए गाइस उस गिव अवे को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो गाइस चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले वीडियो शुरू करता हूं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। मैंने थंबनेल पे अच्छे से बताया नहीं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, बस सीधे लिख दिया गिव अवे है गूगल प्ले रिडीम कोड का। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो का टॉपिक है कि एक फ्री फायर के अंदर मैं पहले बता चुका हूं कि आईडी बैन हो रही है फ्री फायर। ठीक है, तो उसके अंदर परमानेंट मैंने कल न्यूज़ मैंने पढ़ा। ठीक है, तो OB28 के अंदर एक दो पैच अपडेट आएगा। ठीक है, इस हैक सिस्टम को लेकर, जिसके अंदर एक परमानेंट बैन होगा और एक टेम्प्रेरी बैन होगा। ओके, सो गाइस टेम्प्रेरी बैन क्या है और परमानेंट बैन क्या है। ठीक है, इन सारे चीज़ों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं गाइस टेम्प्रेरी बैन में। ठीक है, टेम्प्रेरी बैन के अंदर जैसे कि आप कोई अलग टाइप के ऐप्स या किसी तरह के फाइल्स के अंदर चेंजेस करते हो, ठीक है, फाइल्स मॉडिफिकेशन करते हो जो कि गेम के अंदर जैसे कपड़े होते हैं या फिर इन चीज़ों को अगर वो चेंज कर देता है तो उसे हम टेम्प्रेरी बैन कहते हैं। ठीक है, जैसे गेम फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर देता है, वैसे बैकग्राउंड चेंज कर देता है या फिर अलग अलग चीज़ों को, उसे हम टेम्प्रेरी बैन कहते हैं। और साथ में गाइस टेम्प्रेरी बैन इसी को कहते हैं, साथ में टेम्प्रेरी बैन में और भी गाइस मतलब जैसे कॉन्फिग फाइल यूज़ करना या फिर ग्लिच यूज़ करना, ये भी आता है। ठीक है, और गाइस बात करें परमानेंट बैन की, तो परमानेंट बैन क्या है गाइस, जैसे कि आप मतलब हेडशॉट मार नहीं पा रहे हो किसी बंदे को, तो हेडशॉट मारने के लिए लगा दिया हेडशॉट हैक। ठीक है, उसे हैक नहीं कहेंगे, एक तरह से फाइल मॉडिफिकेशन ही कहेंगे। ठीक है, गेम फाइल के क्लाइंट कंटेंट को चेंज कर अगर आप ऐसा करते हो तो उसे कहा जाता है, अगर बैन करें ना आपकी आईडी, तो उसे कहा जाता है परमानेंट बैन। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधे आपकी आईडी बैन कर दी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सुबह उठ के आपने फ़ोन खोला देखा भाई मेरी आईडी बैन हो गई। ठीक है, तो इससे कहते हैं परमानेंट बैन। इसके अंदर आप हैक अगर यूज़ करते हो, फ्लाइंग हैक, कोई भी हैक तरह लगाते हो, इन सारे को कहते हैं ठीक है परमानेंट बैन। ओके गाइस, सो वीडियो इतनी छोटी सी थी, बस आपको बताना था इन दोनों चीज़ों के बारे में जो कि OB28 अपडेट के अंदर ऐड हो जाएगा। अभी ऐड नहीं हुआ है, बट अभी सिर्फ परमानेंट बैन है। ओके, टेम्प्रेरी बैन अभी आया नहीं है, वो OB28 अपडेट के अंदर आएगा, इसलिए मैं बता देना चाहता। तो गाइस अब रिडीम कोड की बात करें, तो ये रहा गाइस वो रिडीम कोड ₹190 का। आप लोग जाके फटाफट से रिडीम करो गूगल प्ले पे। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे रिडीम सेक्शन पे जाओ और कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो अगले गाइस टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना।